हमीरपुर से शिमला राजमार्ग पर दुसड़का के पास सड़क कार्य धीमी गति से होने से लोगों में गहरा रोष पनपा हुआ है। धूल मिट्टी की वजह से परेशानी से जूझ रहे लोगों ने पीडब्ल्यूडी विभाग से जल्द काम पूरा करने की गुहार लगाई है। सड़क की टायरिंग का काम पिछले कुछ दिनों से चला हुआ है, लेकिन इस काम के चलते स्थानीय लोगों ने विभाग पर ठंडे बस्ते से काम करने का आरोप लगाया है। वहीं सड़क पर से बजरी के पत्थर उछलकर दुकानों के अंदर घुस भी रहे हैं, जिससे हर वक्त दुर्घटना का अंदेशा बना हुआ है। इसके साथ ही धूल मिट्टी से भी लोगों को खासी परेशानी उठानी पड़ रही है। स्थानीय महिलाओं का कहना है कि गाड़ियों की आवाजाही के चलते यहाँ पे जीवन जीना मुश्किल बना हुआ है और धूल मिट्टी उड़ने से हर वक्त परेशानी हो रही है। उन्होंने मांग करते हुए कहा कि धूल मिट्टी से बहुत ही परेशानी हो रही है, इससे निजात मिलनी चाहिए। महिलाओं का कहना है कि सड़क के किनारे नालियां भी नहीं बनाई जा रही हैं, जिससे गंदे पानी की समस्या भी बरकरार बनी हुई है। सड़क में ये डाले अभी रोड़ी बजरी ना, और इससे इतनी धूल और मिट्टी उड़ रही है और इतने पत्थर उछल कर पड़ रहे हैं, कभी किसी बच्चे को लग सकते हैं, किसी बड़े को भी। तो ना साइड में नालियाँ बनाई ना कुछ नहीं, और हम इतने परेशानी हो रही है यहाँ पर। और ये जो सड़क है, साइड में नालियाँ बनानी चाहिए, एक साइड तरफ बनाई और दूसरी तरफ बनाई नहीं, तो वैसा है ना। अभी जल्दी इसको काम फिनिश करते हैं। अभी जब रोड बनना तो बोलते हम बनाएंगे बनाएंगे, अब कोई भी नहीं आ रहा है यहाँ पर। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जल्दी यहाँ पर सड़क की थोड़ा ये फिनिशिंग करें और नालियाँ वगैरह निकालें, और सारे पत्थर जो रोड़ी जी हैं वो सारी को बच्चों को लग रहे हैं, क्योंकि बड़ों को लग रहे हैं, दुकानों में जाकर बढ़ रहे हैं। अभी यहाँ पर एक बाइक वाला गिरा और उसको बहुत जोर की चोट आई इस रोड़ी की वजह से, कि पत्थरों पर से ये स्टिक हो रही हैं गाड़ियाँ, और फिर कितनी परेशानी हो रही है सब। तो हम ऐसे मतलब जो है समस्या ऐसे नहीं कि रोड में जैसे जा रहे हैं तो इतनी मिट्टी है, इतनी धूल है, पूछो मत। और पत्थर फेंके हुए हैं रास्ते में, सब बच्चे फिसल रहे हैं, बड़े भी फिसल रहे हैं, जैसे गाड़ियाँ आ रही हैं अंदर बाहर होकर ना, ये तो प्रॉब्लम आ रही है, सांस घुट रहा है मतलब। तो आगे हम ये चाहते हैं कि जो धूल मिट्टी उड़ रही है ना जी, इससे थोड़ा सा हमें राहत मिले मतलब। शॉप में नहीं बैठा जा रहा है, कहीं नहीं बैठा जा रहा है, जाया जाए नहीं जा रहा है, शॉप में नहीं बैठ सकते, ठीक है नहीं। और कुछ ना कुछ करें मतलब उसको बंद करें। वहीं स्थानीय दुकानदार ने बताया कि धूल मिट्टी से दुकान के अंदर काम करना भी दूभर बना हुआ है और सड़क का काम बहुत ही धीमी गति से हो रहा है, जिससे सभी दुकानदारों की दुकानदारी भी चौपट होकर रह गई है। लोगों का कहना है कि सड़क काम के लिए नियमित पानी का छिड़काव तक नहीं किया जा रहा है, जिस कारण धूल से पूरा बाजार भर गया है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि धूल मिट्टी की समस्या से जल्द निजात दिलाई जाए और सड़क कार्य जल्द पूरा किया जाए। काम करना नहीं, काम करने में बहुत दिक्कत हो रही है, मिट्टी मिट्टी आती है वहाँ, तमाम फंकड़ फंकड़ उछल उछल के आते हैं। उस दिन बाइक स्लिप हुई थी है ना, उनको दिक्कत हो रही है, परेशानी हो रही है, और क्या है।